यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसको अभी हाल ही में डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था। नाम इसको दिया गया है समर का, जिसका जो एक मार्क 1 वेरिएंट है वो हमने लास्ट ईयर ही देखा था। उस पे उस समय काम चल रहा था और उस टाइम पे इसका लॉन्चर को माउंट किया गया था एक 6x6 ट्रक पे। यहाँ पे समर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करोगे तो इसको डेवलप किया है IAF की BRD-7 और BRD-11 ने मिलके प्राइवेट कंपनियों के साथ, जैसे कि सिमरन फ्लोटिक इंडस्ट्री हो गई जिसने प्राइमरली इसके लॉन्चर और जो एक्चुएटर्स हैं उन पे काम किया है। सो इस तरह का जो सिस्टम है वो क्यों आपको सामने देखने को मिला है, इस बारे में बात कर लेते हैं। हम सभी अवेयर हैं कि IAF तकरीबन 5000 के नंबर में जो R-73 है और R-27 है, इनका एक स्टॉक IAF के पास है। और अगर आप इन मिसाइल को माउंट करते हो एयरक्राफ्ट पे और सॉर्टी करते हो तो कहने की जो प्रोपल्शन सेक्शन है, प्रोपल्शन मोटर है, उसकी लाइफ डिटोरिएट होती है, जिसको प्रॉब्लम बाद में रिफर्बिश करके इस रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक आइडिया लेके समर सामने आया है, कहीं की जो आपका स्टॉक है R-73 और R-27 का, वो यहाँ पे IAF इस्तेमाल करने जा रही है। तो अब जो दो टाइप है समर के वो आपको दिखे हैं, समर 1 और समर 2। जो समर 1 है वो अशोक के स्टैलियन 4x4 ट्रक पे माउंट किया गया है। प्राइमरली यहाँ पे जो आपके R-73 हैं वो दिखेंगे, जिसमें IR सीकर दिया गया है। तो यहाँ पे R-73 के IR सीकर को लेके काफी आपको डिबेट मिल जाएंगी कि एक IR सीकर इस तरह के रोल में मैनपावर से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये भी डिबेट है कि हो सकता है यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो जाए और जो रिजल्ट है वो उस तरह का आपको ना मिले। तो इस तरह की जो डिबेट है पर्टिकुलरली एक्यूरेसी और सीकर को लेके एक सैम वेरिएंट में वो चल रही है। समर 1 की बात करोगे तो लगभग 20 के नंबर में जो फायरिंग है, टेस्ट फायरिंग, वो कंडक्ट हो चुकी है, जहाँ पे आपको कॉमन रेंज मिली है वो 10-12 किलोमीटर की है। और जो आपका समर 2 है वो प्राइमरली R-27 ET को फायर करेगा, जो कि मीडियम रेंज कैटेगरी में आ जाएगा। और इसको माउंट किया गया है BEML के तात्रा पे 8x8 प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे जो इसकी रेंज रहेगी वो आपको 20 किलोमीटर उम्मीद कर सकते हो। R-27 की जो इन्वेंट्री IAF की, उसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सो ये भी एक इनोवेटिव डेवलपमेंट है, जहाँ पे हम सभी अवेयर हैं कि IAF देख रही है नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल की तरफ। तो कहीं ना कहीं जो आपके WVR में IR सीकर वाले जो मिसाइल हैं वो फेज आउट होंगे, तो इनका जो इस्तेमाल है यहाँ पे किया जा सकता है। रोल की स्पेशली बात करोगे तो जिस तरह के जो थ्रेट हैं ड्रोन के सैचुरेशन अटैक को लेके वो बढ़ रहे हैं। अगर आपके ऊपर एन नंबर ऑफ ड्रोन का अटैक हो जाता है तो उस केस में जो सैलो फायरिंग है इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की, वो आप कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और टारगेट को अक्वायर करने में जो उसका सीकर होगा उसको उतने इश्यूज भी नहीं आएंगे। सो उस तरह के थ्रेट डोमेन में ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड आप कह सकते हो हार्ड किल के लिए। अगर ये आपके लिए काम कर जाता है तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसे जो नए प्लेटफॉर्म हैं DRDO के नए वेपन सिस्टम पे, वो भी आप डेवलप कर पाओगे। तो होपफुली ये जो प्रोजेक्ट है उसको IAF जल्दी एक बड़े नंबर में बना के ऑपरेट करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।